नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार आर माधवन ने अपने अभिनय से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है। माधवन सिर्फ बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, अच्छे फैमिली मैन और एक पिता भी हैं। अपने बेटे वेदांत का वो हमेशा जमकर सपोर्ट करते हैं। उनका बेटा फिल्म इंडस्ट्री से दूर खेल में अपने हुनर से देश का नाम रोशन कर रहा है। वेदांत तैराकी में उस्ताद है और वो लगातार अपने पिता के साथ साथ देश को भी गौरवान्वित करते हैं। वेदांत ने तैराकी चैंपियनशिप में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। सोशल मीडिया पर आर माधवन ने अपने बेटे की इस अचीवमेंट के लिए उन्हें बधाई देने के साथ एक पोस्ट भी शेयर किया। बता दें, वेदांत ने हाल ही में मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। उनके पिता आर माधवन ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वेदांत भारत के राष्ट्रीय ध्वज और 5 गोल्ड मेडल के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में वो अपनी माँ सरिता बिरजे के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। आर माधवन ने इन फोटोज को शेयर करने के साथ लिखा, ईश्वर की कृपा और आप सभी की शुभकामनाओं के साथ वेदांत को भारत के लिए 5 स्वर्ण यानी कि 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर में एक साथ 2 पीवी मिले। ये इवेंट मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 में इस हफ्ते कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। हम उत्साहित हैं और प्रदीप सर के बहुत आभारी हैं। आर माधवन के बेटे की सफलता के लिए फैंस उनको बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभिनेता अपने काम के साथ साथ फैमिली को भी पूरा वक्त देते हैं। सोशल मीडिया पर वो अपने बेटे वेदांत के अलावा परिवार के सभी सदस्यों की फोटो शेयर करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।